Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning Computer of Class 6 by Brain Root series. And here is a book, children. The name is Cyber Creators. Today we are going to start with chapter number 7 and the name is The Web Magic. First step into HTML5 and CSS. So yes, here in this chapter we are going to learn how to create web pages. तो कैसे हम वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं HTML, 5 और CSS की मदद से, दिस वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. सो व्हाट ऑल कंटेंट्स वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू व्हाट इज HTML, HTML 5, HTML एडिटर्स क्या क्या हैं, टैग्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ना रूल्स फॉर राइटिंग HTML कोड, अब कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है इन कोड्स को लिखने के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट और HTML डॉक्यूमेंट का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्रिएटिंग एन HTML डॉक्यूमेंट, अदर HTML टैग्स, कैस्केडाइन स्टाइल शीट्स जिसे हम CSS भी कहते हैं, यूजिंग कैस्केडाइन स्टाइल शीट्स, नाउ बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टीज. सो दीज कंटेंट्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी दैट इज गिवन हियर. You have to identify the following web browsers in the space given below. तो यहाँ पे कुछ web browsers हैं, आपको उन्हें ढूंढना है कि ये कौन से web browsers हैं. तो पहला आता है हमारा Chrome, Compass, Microsoft Edge and so on. So the rest two find it on your own. So children, let's start the chapter. The internet is a vast network of interconnected computers. ये internet क्या है? ये काफी बड़ा network है interconnected computers का, जो क्या करता है? Information को share करता है और resources को share करता है. It comprises servers which store files and website. तो ये जो सिस्टम है इंटरनेट, ये क्या करता है? सर्वर्स होते हैं इसमें बहुत सारे, जो भी फाइल्स होती हैं या वेबसाइट्स होती हैं या फिर क्लाइंट्स होते हैं या फिर रिक्वेस्ट जो होती हैं, इन सब को स्टोर करके रखता है. सो ये जो वेब पेजेस हैं, ये जो है क्रिएट किए जाते हैं HTML को यूज़ करके. कंटेंट कंटेन्स डेटा, ग्राफिक, वीडियो, ऑडियो एंड हाइपरलिंक्स. तो ये जो हमारे वेब पेज है, इसमें ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी. आपको यहाँ पिक्चर्स भी मिलेंगी, आपको यहाँ ग्राफिक्स भी मिलेंगे, आपको वीडियोस, टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें आपको इस वेब पेज पे ज़रूर मिलेंगी. और ये क्या करता है? पूरा जो ग्लोबल नेटवर्क है उसे कनेक्ट करता है. This chapter introduces the fundamentals of HTML. और ये जो chapter है, ये हमें बताता है HTML के जो भी fundamentals है उसके बारे में. The primary language used for designing a web content. ये एक ऐसी पहली language है जिसे use किया जाता है web content को design करने के लिए. What is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. तो ये फुल फॉर्म है HTML का. इट इज़ अ कंप्लीट कोड पैकेज. ये पूरा एक पैकेज है कोड्स का. इसमें बहुत सारे कोड्स आपको मिलेंगे जो क्या करता है? अलाउज यू टू क्रिएट वेब पेजेस, जिसकी वजह से आप वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं. दैट कंटेन्स बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स. तो ये जो वेब पेजेस है, इसमें आपको टेक्स्ट भी मिलेगा और ग्राफिक्स भी मिलेंगे. इट इज़ अ सिंपल मार्कअप लैंग्वेज. ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल मार्कअप लैंग्वेज है जो क्या करता है? डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर को, बिहेवियर को किसी भी वेब डॉक्यूमेंट का. ऑल द वेब ब्राउजर्स आर डिजाइन टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट दीज लैंग्वेजेस. सो जितने भी वेब ब्राउजर हैं वो क्या करते हैं? ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि ये इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके और इंटरप्रेट कर सके. तो चलिए, लेट्स लर्न द ब्रेकअप ऑफ द एक्रोनिम्स HTML टू सी व्हाट इट मार्क्स. तो आपने देखा होगा कि हमारा जो HTML है, इसका फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज.
तो ये जो वर्ड है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका ब्रेकअप क्या है, इसका एक्रोनिम क्या है, वो अब हम पढ़ेंगे। तो पहला जो आता है हमारे सामने वो है हमारा हाइपर टेक्स्ट, उसके बाद आता है मार्कअप लैंग्वेज। सो हाइपर टेक्स्ट इज अ पीस ऑफ ऑर्डिनरी टेक्स्ट, ये एक नॉर्मल सा टेक्स्ट है दैट हैज बीन स्प्रूज्ड अप विद स्पेशल फीचर्स ऑफ लिंकिंग अदर डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस। तो इसे ऐसा बनाया गया है कि ये क्या करता है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर हैं जो क्या करते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट को वेब पेजेस या फिर हमारे टेक्स्ट को वेब पेजेस से ज्वाइन करते हैं। सो व्हेन यू क्लिक ऑन द हाइपर टेक्स्ट इट ओपन्स अ न्यू वेब पेज, जैसे आप हाइपर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एक नया वेब पेज आपके सामने आ जाएगा। अब बारी आती है मार्कअप लैंग्वेज, सो इट इज अ लैंग्वेज दैट यूजेज स्पेशल सिंबल्स कॉल्ड टेक्स्ट। ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो क्या करता है, अलग अलग तरीके के स्पेशल सिंबल्स को यूज करता है जिसे टैक्स कहा जाता है, टू मार्कअप अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट इंस्ट्रक्ट्स द ब्राउजर। ये क्या करता है, मार्क करता है ऐसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को जो ब्राउजर को इंस्ट्रक्ट करते हैं हाउ टू डिस्प्ले द टेक्स्ट, जो ये बताते हैं कि टेक्स्ट को कैसे डिस्प्ले करना है, कैसे दिखाना है। मार्कअप लैंग्वेजेस आर सोली कंसर्न विद क्लासिफाइंग द पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ये जो मार्कअप लैंग्वेज है ये पूरी तरह से कंसर्न होते हैं क्लासिफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स के कौन कौन से पार्ट हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि इंडिकेटिंग विच पार्ट इज द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, कौन डॉक्यूमेंट के कौन से पार्ट को हम टाइटल में रखेंगे, विच पार्ट इज हेडिंग और सब हेडिंग एंड सो ऑन, कौन सा पार्ट हेडिंग बनेगा और कौन सा पार्ट सब हेडिंग बनेगा, इसी तरीके से सारी चीज़ों को ये डिस्क्राइब करता है और स्पेसिफाई करता है। इन 1989 में क्या हुआ था, टिम बर्नर्स-ली एंड हिज टीम रीडिजाइन स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज। तो टिम बर्नर्स-ली और उनके जो टीम मेंबर्स थे उन्होंने मिलकर इसे रीडिजाइन किया जिसे पहले SGML के नाम से जाना जाता था। द स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ SGML केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1995 और ये जो स्टैंडर्ड वर्जन है SGML का ये 1995 में आया। द टू मेजर ऑर्गेनाइजेशंस दैट वर इन्वॉल्वड इन डेवलपिंग SGML 5 वर वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम एंड वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो है ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने हेल्प किया है HTML5 के बनने में। These two came into existence around 2008 और ये दोनों 2008 में हमें देखने को मिले थे। तो चलिए पढ़ते हैं what is HTML5 जिन्हें इन दोनों कंपनियों ने मिल के बनाया। So HTML5 offers a more stable and feature-rich platform for developing web applications। तो ये जो HTML5 है ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और इसमें जो फीचर है वो काफ़ी ज़्यादा है जो क्या करता है HTML को एक काफ़ी अच्छा वेब एप्लीकेशन बनाता है। इट हैज़ हेल्प्ड इन द एक्सपेंशन ऑफ कटिंग एज वेब, इन्होंने कटिंग एज वेब डेवलपमेंट टेक्निक जो है उसको एक्सपैंड करने में हेल्प भी किया है, लाइक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन एंड प्रोग्रेसिव वेब पेजेस, जैसे कि जो है आपके रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस या फिर प्रोग्रेसिव वेब पेजेस है, तो ऐसी चीज़ों की इन्होंने डेवलप करने में हेल्प की है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए गए हैं HTML5 के, लेट्स रीड आउट देम। पहला है एडिंग ऑडियो एंड वीडियो क्लिप्स इन द वेब पेज, तो वेब पेज में ऑडियो और वीडियो क्लिप्स को ऐड करना काफ़ी ईजी हो गया है, इंक्लूडिंग जिसमें इमेज आते हैं विच वॉज नॉट पॉसिबल इन द अर्लियर वर्जन, जो पहले वर्जन में नहीं पॉसिबल था, विदाउट द सपोर्ट ऑफ द एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर, बिना एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के ये पॉसिबल नहीं था, और प्लगइन्स लाइक फ्लैश प्लेयर, तो पहले आपको फ्लैश प्लेयर चलाना होता था इन्हें सपोर्ट करने के लिए। विद द कैनवस फीचर यू कैन ऑल्सो ड्रॉ इमेज डायरेक्टली ऑन द वेब पेज, तो वेब पेज पे आपको कैनवस फीचर भी मिलता है जिसकी वजह से आप आराम से अपनी ड्राइंग बना सकते हैं वहाँ पे। इट इज़ कंपैटिबल अक्रॉस ऑल द मेजर वेब ब्राउजर्स, ये जो है कंपैटिबल है जितने भी वेब ब्राउजर्स हैं उन सब के बीच में। इट वर्क्स बेस्ट
इवन विद स्लो इंटरनेट कनेक्शन. अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो भी ये बहुत अच्छा काम करता है. ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है आपको मोबाइल फ्रेंडली तरीका, जो क्या करता है, डेवलप करता है इंटरैक्टिव गेम्स. तो इसमें आप इंटरैक्टिव गेम्स भी डेवलप कर सकते हो. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द वर्किंग इन HTML5. सो यू रिक्वायर टू बेसिक टूल्स टू वर्क विद HTML5. तो HTML5 के साथ काम करने के लिए आपको दो बेसिक टूल्स की ज़रूरत होती है. पहला है आपका HTML एडिटर और दूसरा है वेब ब्राउज़र. सो HTML एडिटर आपको चाहिए किस चीज़ के लिए, क्रिएट करने के लिए और सेव करने के लिए डॉक्यूमेंट को. और वेब ब्राउज़र आपको चाहिए डॉक्यूमेंट को व्यू करने के लिए, मीन्स देखने के लिए. Now let's learn about the HTML editors. So children, there are two main types of HTML editors. दो तरीके के HTML editors है. पहला है what we see is what we get editor और दूसरा है text editor. So what we see, what we get editor का full form आपने देख लिया, आपके सामने लिखा हुआ है. ये जो एडिटर है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है बहुत सारे टूल्स आपको जो कि ग्राफिकल इंटरफेस से भरे हुए होते हैं और वेयर द वेब पेज आर डिज़ाइन, जहाँ पे वेब पेज डिज़ाइन किए जाते हैं. वाइल यूजिंग दिस एडिटर यू कैन डू नॉट रिक्वायर द नॉलेज ऑफ HTML कमांड. आपको जब आप ये एडिटर यूज़ करें तो ज़रूरी नहीं कि आपको HTML आता हो. HTML कमांड्स की नॉलेज नेसेसरी नहीं है. एज द एलिमेंट आर इमेज, टेबल, लिस्ट एक्सेट्रा, क्योंकि यहाँ जो एलिमेंट्स हैं वो इमेजेस हैं और टेबल्स हैं, लिस्ट हैं और भी चीज़ें हैं. कैन बी प्लेस ऑन द इंटरफेस एंड द रिक्वायर्ड HTML कोड विल बी एडेड. तो ये चीज़ें इंटरफेस पे प्लेस की जाती हैं जिसके बाद जो HTML कोड है वो अपने आप ऐड हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल फ्रोला, गूगल वेब डिज़ाइनर एक्सेट्रा, दीज आर व्हाट वी सी इज व्हाट यू गेट एडिटर. नेक्स्ट कम्स टेक्स्ट एडिटर. सो यू कैन क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट्स यूजिंग टेक्स्ट एडिटर. तो इसमें भी आप HTML डॉक्यूमेंट्स को आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि नोट पैड हो गया या फिर वर्ड पैड हो गया. अनलाइक वॉट वी सी इज वॉट वी गेट एडिटर, हियर द डेवलपर इज रिक्वायर्ड टू हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ HTML टैग्स टू डेवलप द वेब पेजेस. तो वॉट वी सी वॉट वी गेट एडिटर की तरह यहाँ पे जो डेवलपर है यहाँ पे उसे प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए HTML टैग्स की, ताकि वो वेब पेज को डेवलप कर सके. एटम, नोट पैड, नोट पैड प्लस एंड सबलाइम टेक्स्ट आर सम ऑफ द पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर. ये कुछ बहुत ज़्यादा पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर है जो आजकल यूज़ किए जाते हैं. इस चैप्टर में आप लर्न करेंगे कैसे ये वर्क करता है, मीन्स नोट पैड प्लस प्लस कैसे काम करता है. सो वी विल वर्क ऑन दैट. नेक्स्ट टॉपिक इज टैग्स, एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स. सो एवरी HTML डॉक्यूमेंट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स. तो जितने भी HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं चिल्ड्रेन, इन तीनों की मदद से ही बनते हैं, इनके बिना आप उसे नहीं बना सकते. लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ दीज वन बाय वन. तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है टैग्स. सो टैग्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ वेब पेज. ये क्या है, आप कह सकते हो जैसे कि घर बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है, वैसे ही ये जो टैग्स है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वेब पेज के, मीन्स बेस हैं वेब पेज के. दे हैव एलिमेंट्स दैट डिफाइन हाउ द इंफॉर्मेशन ऑन अ वेब पेज इज फॉर्मेटेड और डिस्प्लेड. सो ये जो है ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ये बताते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है कैसे वेब पेज पे डिस्प्ले या फिर फॉर्मेट की जाती है. यू कैन ऑल्सो इंक्लूड नॉन टेक्स्ट आइटम्स. आप जो है नॉन टेक्स्ट आइटम्स भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि इमेज हो गया, लिंक हो गए, लिस्ट हो गए, ये सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं वेब पेजेस पे इन टैग्स को यूज़ करके. टैग्स डू नॉट अपियर इन द ब्राउज़र विंडो. ये जो टैग्स है ये ब्राउज़र विंडो में नहीं मिलते, बट दे इफेक्ट द डिस्प्ले ऑफ द टेक्स्ट इन नॉन टेक्स्ट आइटम्स इन इट. लेकिन ये क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं जो डिस्प्ले है टेक्स्ट का या फिर जो नॉन टेक्स्ट आइटम्स हैं उनको ये इफेक्ट करते हैं. अब कैसे इन टैग्स को यूज़ करना है, तो लेट्स लर्न वॉट इज यूजिंग टैग्स. सो ईच टैग इन HTML फॉलोज अ स्पेसिफिक रूल और सिंटेक्स. तो जितने भी टैग्स होते हैं HTML में बेटा, वो कुछ रूल्स को और सिंटेक्स को फॉलो करते हैं. दीज टैग्स आर नॉट
केस सेंसिटिव। ये जो टैग्स है ये केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव क्या होता है, मीन्स अगर मैंने कैपिटल लेटर लिख दिया और कैपिटल ए लिख दिया और स्मॉल ए लिख दिया, ये होता है केस सेंसिटिव। मीन्स आपको जहाँ पे कैपिटल ए फिल करना है वहाँ पे आप कैपिटल ए ही फिल कर सकते हो, स्मॉल ए नहीं फिल कर सकते। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। यहाँ कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि नेम टैग स्मॉल में लिखा है, नेम टैग कैपिटल में लिखा है, विल हैव द सेम इफेक्ट। मींस अगर आप नेम टैग स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो, दोनों का एक ही काम होगा, दोनों एक ही काम करेंगे। तो ये क्या है आपका टैग। द एचटीएमएल टैग्स एंड कमांड्स आर इंसर्टेड बिफोर एंड आफ्टर द टेक्स्ट और नॉन टेक्स्ट आइटम्स। सो ये जो टैग्स है पहले या फिर बाद में लगाए जाते हैं टेक्स्ट या फिर नॉन टेक्स्ट आइटम्स के। Each tag giving a specific instruction. हर एक टैग क्या करता है, एक अलग तरीके के स्पेसिफिक instructions देता है। Begin with a less than sign. और ये जो टैग हैं ये less than sign से start होते हैं और end होते हैं greater than sign के साथ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। For example, the tag for defining a paragraph is, अगर आपको paragraph लिखना है तो आपने ये greater than smaller than sign के बीच में P को लिख दिया। You can type P before the block of the text that you want to designate as a paragraph. तो P हमें जो है type करना है paragraph start करने से पहले, और जैसे ही हमारा paragraph over हो रहा है तो हम ये last में closing tag लगा देंगे। तो ये है हमारा opening tag, ये है हमारा closing tag. So this is on tag. इसे on tag भी कहते हैं और इसे हम ऑफ टैग भी कहते हैं। सो टू डिफाइन अ पैराग्राफ टाइप द फॉलोइंग इन द एडिटर। तो हमने क्या किया, सिंटेक्स डाला, पहले हमने ओपनिंग टैग डाला जिसे ऑन टैग भी कहते हैं, फिर हमने सम टेक्स लिखा, फिर हमने क्लोजिंग टैग लगाया और इसे हम ऑफ टैग भी कहते हैं। तो इसका मतलब कि जो पैराग्राफ है हमारा, पैराग्राफ में हमने दो वर्ड लिखे हैं सम टेक्स, सिर्फ वही प्रिंट होगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टैग्स। अब बहुत सारे तरीके के टैग्स होते हैं। टैग्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहला आता है आपका कंटेनर टैग, दूसरा आता है आपका एम्प्टी टैग। सो ये जो कंटेनर टैग है इसमें आपको जो है आपको स्टार्टिंग और एंडिंग टैग दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्टार्टिंग एंड दिस इज एंडिंग टैग, अगेन स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कंटेनर टैग के। अब दूसरे आते हैं एम्प्टी टैग्स। ये जो है इसमें जो है आपको जो है दे स्टार्ट जस्ट एज अ स्टार्टिंग टैग बट नो एंडिंग टैग। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग टैग तो देना होगा लेकिन एंडिंग टैग की ज़रूरत नहीं है। जैसे बी आर एच आर, ये क्या है, ये एम्प्टी टैग्स है जिसमें आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दो अलग अलग टैग्स की ज़रूरत नहीं होती। अब बारी आती है एलिमेंट्स की। एन एचटीएमएल एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ स्टार्टिंग टैग। सो ये जो एचटीएमएल का एलिमेंट है इसमें आपको स्टार्टिंग टैग्स मिलेंगे, कुछ कंटेंट मिलेगा एंड अ क्लोजिंग टैग। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो ओपनिंग टैग, फिर दिस इज अ पैराग्राफ, हमने कंटेंट टाइप कर दिया और फिर क्लोजिंग टैग लगा दिया। नेक्स्ट कम्स एट्रीब्यूट्स। So an attribute is a property that provides additional information about an HTML element. Attribute क्या है, ये एक property है जो क्या करती है, provide करती है अलग से additional information किसी भी HTML element के बारे में। It enhances the functionality of the tag. ये क्या करती है, जो tag की जो functionality है उसे enhance करती है, उसे बढ़ाती है। An attribute is always specified into the opening tag. ये जो एट्रीब्यूट है हमेशा ओपनिंग टैग में आपको मिलेगा। ऑल एट्रीब्यूट्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं सब में आपको दो पार्ट्स मिलेगा, पहला होता है नेम और दूसरी होती है वैल्यू। द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी दैट यू वांट टू सेट एंड द वैल्यू इज व्हाट यू वांट फॉर द रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी। तो नेम क्या है, जो आपको नाम सेट करना है, वैल्यू क्या है, जो भी वैल्यू सेट करनी है उस पर्टिकुलर नाम के लिए। द एट्रीब्यूट वैल्यू इज ऑलवेज एनक्लोज विद इन द कोट्स। ये जो एट्रीब्यूट वैल्यू है ये हमेशा कोट्स के अंदर रहते हैं। यू कैन यूज मोर देन वन एट्रीब्यूट इन साइड अ टैग। एक टैग में आप एक से ज़्यादा जो है एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि बॉडी बीजी कलर इज ग्रीन, दिस सेट्स अ बैकग्राउंड कलर टू ग्रीन फॉर द वेब पेज।
तो बीजी का यहाँ पे मतलब है बैकग्राउंड, तो जो बॉडी है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन होना चाहिए। और जैसे हमने इसे टाइप किया तो क्या होगा कि जो बैकग्राउंड का कलर है हमारे वेब पेज का वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लेट्स लर्न द रूल्स फॉर राइटिंग HTML कोड्स। तो कोड्स को लिखने के लिए, HTML कोड्स को लिखने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना है। पहला क्या है, वाइल राइटिंग एन HTML डॉक्यूमेंट यू नीड टू फॉलो सम रूल्स एंड देर आर सम रूल्स दैट आर डिस्क्राइब्ड हियर। तो पहला है टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स, नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव। सो ये जो टैग्स हैं या जो एट्रीब्यूट्स हैं ये केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, जैसे कि हेड को आप कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, बात एक ही है। फिर आता है आपका कंटेनर टैग, ये क्या है, इसमें आपको हमेशा इट शुड ऑलवेज बी क्लोज, इसे बंद करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अनक्लोज टैग जो है आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा। अब बारी आती है वैल्यूज़ की, वैल्यूज़ क्या करते हैं, हमें जो है देते हैं एट्रीब्यूट्स, गिवन टू द एट्रीब्यूट्स, जो वैल्यू दी जाती है एट्रीब्यूट्स को वो जो है हमेशा कोट्स के अंदर होने चाहिए, स्पेशली इफ द वैल्यू हैज़ नो ब्लैंक स्पेस। अगर वैल्यू में कोई भी किसी भी तरीके का ब्लैंक स्पेस है तो आपको वहाँ पर कोट्स लगाने पड़ेंगे। एट्रीब्यूट वैल्यू कैन बी केस सेंसिटिव, ये जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है ये केस सेंसिटिव हो सकती है। सो वेन द टैग्स आर एम्बेडेड मीन्स जब ये टैग्स बनाए जाते हैं, When you start a tag within another tag, जब आप एक टैग दूसरे के अंदर स्टार्ट करते हैं, you need to close the inner tag. आपको जो इनर टैग है पहले क्लोज करना है और आउटर टैग को बाद में क्लोज करना है। तो चलिए जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हो, पहले हमने ओपनिंग टैग P का लिखा, फिर ओपनिंग टैग B का लिखा, फिर हमने अपना मैसेज लिखा हेलो। तो जो अब जो P है वो सबसे पहले है, B उसके बाद है, तो सबसे बाद वाले को हम पहले क्लोज करेंगे। सो चिल्ड्रेन जो पहले बी वाला है उसे हम पहले क्लोज करेंगे, उसके बाद हम पी वाले ब्लॉक को क्लोज करेंगे या पी वाले टैग को क्लोज करेंगे। बट यहाँ पे ऊपर आप देखो, यहाँ पे पी देन बी, तो इसे यहाँ पे इनकरेक्ट कर दिया गया। हमें क्या करना है, पहले पी आएगा, फिर बी एंड देन पी। सो द नेम टैग, द टैग नेम शुड नॉट कंटेन स्पेस, ये जो टैग का जो नाम है इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने ये टैग बनाया बॉडी का, सो दिस इज करेक्ट, और यहाँ स्पेस दे दिया तो ये इनकरेक्ट हो गया। देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन दीज टू, ये जो ग्रेटर देन स्मॉलर देन साइन है इनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना जब हम HTML कोड लिख रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आप क्या है स्ट्रक्चर HTML डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पे कुछ फिगर दी गई है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया है HTML डॉक्यूमेंट का। तो आपको सबसे पहले मिलेगा डॉक टाइप HTML, मीन्स ये आपको बता रहा है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो कौन सा है, वो एक HTML डॉक्यूमेंट है। फिर आपने HTML ओपन किया, फिर हेडिंग डालेंगे, फिर टाइटल है, टाइटल में आपने ओपनिंग टैग लगाया, हेडिंग टाइटल लिख दिया, फिर क्लोजिंग टैग मीन्स टाइटल का क्लोजिंग टैग कर दिया, फिर हेड टैग को क्लोज कर देंगे, फिर बॉडी टैग को ओपन किया, हमने इस डॉटेड लाइन में बॉडी लिख दी, बॉडी टैग को क्लोज किया और HTML टैग को क्लोज कर दिया। तो ये जितने भी कंटेनर टैग्स हैं उन्हें हमें ज़रूर क्लोज करना है। सो चिल्ड्रन दिस इज़ योर हेड सेक्शन जहाँ पे आप हेडिंग्स वगैरह लिख सकते हो, और ये है आपका बॉडी सेक्शन जहाँ पे आपको अपना जो भी वेब पेज है उसकी बॉडी लिख रहे हैं। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज इंक्लूडेड एट द बिगनिंग ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। सो ये जो डॉक टाइप डिक्लेरेशन क्या है, ये हमेशा आपको HTML डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में मिलेगा। इट इज़ नॉट एन HTML टैग, ये कोई HTML का टैग नहीं है। रादर इट इज़ इंस्ट्रक्शन टू द वेब ब्राउजर टू इंडिकेट व्हाट वर्जन ऑफ HTML इज बीइंग यूज इन द डॉक्यूमेंट, ये बताता है कि कौन सा वर्जन यूज किया जा रहा है HTML डॉक्यूमेंट में। फॉर HTML 5 दिस डिक्लेरेशन इज अ मस्ट, तो अगर हम HTML 5 की बात करें तो ये जो डिक्लेरेशन ये ज़रूरी है। बेसिक HTML टैग्स, तो कौन कौन से बेसिक HTML टैग्स हैं, लेट्स फर्स्ट लर्न द मीनिंग ऑफ दिस टैग्स यूजिंग एन HTML डॉक्यूमेंट। तो चलिए मीनिंग पढ़ते हैं इन टैग्स के HTML डॉक्यूमेंट्स में। तो पहला टैग है HTML, दिस टैग टेल्स द ब्राउजर अबाउट द बिगनिंग ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट, ये हमेशा स्टार्टिंग में लगाया जाता है और एक कंटेनर टैग है। दूसरा आता है हेडिंग, हेड जो कि हमेशा बिगनिंग में होता है हेडर सेक्शन में, और ये भी एक कंटेनर टैग है। फिर आता है टाइटल,
ये जो टैग है ये बताता है ब्राउजर को कि क्या डिस्प्ले करना है टाइटल में वेब पेज के, और ये भी एक कंटेनर टैग है. कंटेंट एंटर्ड बिटवीन दिस टैग इज विजिबल ऑन द टाइटल बार. तो जो भी चीज़ हम यहाँ पे इस टाइटल टैग में डालते हैं वो हमें टाइटल बार में दिखाई देगा अपने ब्राउजर विंडो के. फिर आता है हमारा बॉडी टैग. जितने भी दूसरे टैग्स हैं वो सारे आपको यहाँ बॉडी टैग में दिखाई देंगे. एवरीथिंग बिटवीन बॉडी, ओपनिंग बॉडी एंड क्लोजिंग बॉडी, जितनी भी चीज़ें हैं इन दोनों के बीच में वो आपके वेब पेज की बॉडी बन जाती हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो अ कंटेनर टैग, और ये भी एक कंटेनर टैग है. तो चलिए अब हमने डिफरेंट डिफरेंट टैग्स के बारे में पढ़ लिया. चलिए अब हम क्रिएट करते हैं एक HTML डॉक्यूमेंट. तो कैसे क्रिएट करना है एक HTML डॉक्यूमेंट, लेट्स रीड. तो फॉर क्रिएटिंग एन HTML डॉक्यूमेंट फर्स्ट वी हैव टू क्लिक ऑन द सर्च बार एंड टाइप नोट पैड प्लस प्लस. तो हमें पहले सर्च में जाना है अपने कंप्यूटर के, वहाँ पे सर्च में जाके आपको नोट पैड प्लस प्लस को टाइप करना है. द आइकन ऑफ द नोट पैड प्लस प्लस एप्लीकेशन अपीयर इन द सर्च रिजल्ट. तो ये जो एप्लीकेशन का जो है ये आपके स्क्रीन पे दिखने लगेगा. नाउ चिल्ड्रेन आफ्टर क्लिकिंग ऑन नोट पैड प्लस प्लस वी हैव टू क्लिक ओपन इट, उसे ओपन करना है. अब यहाँ पे जाके ओपन करने के बाद वी हैव टू टाइप द HTML कोड एज शोन इन द फिगर. तो हमें जो है ये जो HTML कोड दिख रहा है हमारे स्क्रीन पे या जो हमारी बुक में, ये कोड वहाँ पे जाके एंटर करना है. तो HTML ओपनिंग टैग, फिर हेड, फिर टाइटल, टाइटल में माई फर्स्ट प्रोग्राम टाइटल का जो टैग है उसे क्लोज करेंगे, फिर हेड को क्लोज करेंगे, फिर बॉडी पे आएंगे दिस इज़ माई फर्स्ट HTML प्रोग्राम, और फिर जाके इसे क्लोज करेंगे एंड HTML को क्लोज कर देंगे. तो ये वहाँ जाके हमें टाइप करना है और जाके वहाँ पे क्लिक कर देना है सेव बटन पे. तो जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा हमारे सामने. वहाँ पे जो भी फोल्डर जहाँ पे सेव करना है उस पर हम क्लिक करेंगे और वहाँ पे अपना जो फाइल नेम है वो एक एक्सटेंशन HTML के साथ हमें सेव करना है. एंड देन इसके बाद सेव बटन पे क्लिक करना है. तो हमने जो अपने फाइल का नाम रखा है वो रखा है फर्स्ट प्रोग्राम .html. तो ऐसे कोई भी नाम रख सकते हैं, उसके साथ .html लगाना ज़रूरी है. अब जो है हमने फाइल बना ली है, अब हमें उस फाइल को देखना है. तो व्यू करने के लिए उस HTML डॉक्यूमेंट को हम क्या करेंगे, हम पहले अपने वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम पे जा सकते हैं जहाँ से हम अपने जो है वेबसाइट को चलाते हैं. अब वहाँ जाके हमें फाइल HTML फाइल को ओपन करनी है गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र में. एंड उसके लिए पहले हमें फाइल एक्सप्लोरर में जाना है, वहाँ जाके हमारा जो HTML फाइल है उसे जो है देखना है एंड डबल क्लिक करना है उस फाइल पे और वो जाके ओपन हो जाएगा हमारा जो डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है वहाँ पे. और इस केस में क्या है, हमारा जो डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र वो है गूगल क्रोम. सो ऐसा आपको आपका फर्स्ट पेज दिखाई देगा. तो आप देख सकते हो आप जो है जो फर्स्ट फाइल आपने बनाई वो यहाँ पे शो हो रही है और यहाँ पे लिखा हुआ दिस इज़ माय फर्स्ट HTML प्रोग्राम. तो ये आपकी वेब पेज आपके सामने आ गई है. अब हम पढ़ेंगे दूसरे HTML टैग्स के बारे में. सो देर आर मेनी टैग्स दैट कैन बी यूज टू स्टाइल द HTML पेजेस. बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं जिन्हें यूज़ किया जा सकता है HTML पेजेस को स्टाइल अप करने के लिए. लेट्स लर्न मोर अबाउट सम ऑफ दिस टैग्स. तो चलिए कुछ टैग्स के बारे में पढ़ते हैं. पहला आता है हमारा हेडिंग टैग. ये जो है टैग है ये एवरी वेब पेज मस्ट हैव अ हेडिंग टैग. तो हेडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जितने भी वेब पेजेस हैं सब में एक हेडिंग होती है. ये जो हेडिंग टैग है इसे यूज़ किया जाता है क्रिएट करने के लिए हेडिंग्स को, सब हेडिंग्स को, जो क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर या फिर हायरार्की कंटेंट को हमारे वेब पेज पे. और ये भी एक कंटेनर टैग है, मीन्स इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों ही होना चाहिए. तो यहाँ पे आपको 6 लेवल्स मिलेंगे इन हेडिंग्स के, जिस तरीके का आपको फॉन्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग. तो आप देख सकते हो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स हैं. तो लेवल 1 में ये फॉन्ट है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 एंड लेवल 6. तो इस तरीके से आपको फॉन्ट यहाँ मिलेंगे. तो हमें क्या करना है, ये जो दिया गया HTML डॉक्यूमेंट है उसे टाइप करना है. H1 एंड H1 क्लोजिंग टैग हैव द लार्जेस्ट फॉर्म. तो H1 जो है उसका जो फॉन्ट है सबसे बड़ा होता है और H6 का सबसे छोटा. तो हमने क्या किया, सारी चीज़ें माई फर्स्ट प्रोग्राम टाइप किया, बॉडी में हमने दिस इज हेडिंग एंड H1 अप्लाई कर दिया, हेडिंग 2 में H2 अप्लाई कर दिया, हेडिंग 3 में H3, हेडिंग 4 में H4, हेडिंग 5 में H5
और हेडिंग 6 में H6 अप्लाई करके हमने बॉडी को क्लोज कर दिया, HTML को क्लोज कर दिया. क्लोज करने के बाद दिस इज द रिजल्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट. नेक्स्ट आता है आपका लाइन ब्रेक टैग. सो ये जो लाइन ब्रेक टैग है ये जो यूज किया जाता है, इसे पहली बात तो हम जो है BR टैग्स के नाम से जानते हैं. सो BR टैग का मतलब होता है ब्रेक टैग. तो ये लाइन ब्रेक टैग क्या है, ये जो है नई लाइन को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है. एंड इट इज एन एम्प्टी टैग. ये एक एम्प्टी टैग है, मीन्स इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं है. विच मीन्स इट डज नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग. इट जनरली यूज टू टाइप द लाइन्स ऑफ एड्रेस और वाइल राइटिंग अ पोएम. इसे जो है यूज किया जाता है लाइन्स लिखने के लिए एड्रेस के, या फिर किसी पोएम को लिखने के लिए. तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या मैसेजेस हमने टाइप किए हैं यहाँ पे हमारे नोट पैड में. तो राउंड एंड येलो के बाद BR टैग लगाया हमने, लाइन ब्रेक कर दी. फिर हमने शाइन्स द सन के बाद BR टैग लगाया है, लाइट के बाद BR टैग लगाया और एवरी वन के बाद BR टैग लगाया है. तो जैसे जैसे हमने BR टैग लगाए वहाँ वहाँ से लाइन ब्रेक हो गई है और सेम थिंग आपको यहाँ पे प्रिंट दिख रहा है. नेक्स्ट कम्स हॉरिजॉन्टल रूल टैग. सो हॉरिजॉन्टल रूल टैग को हम HR टैग के नाम से जानते हैं. और ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के काम आती है. पेज में हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी है तो आप HR टैग को यूज़ करेंगे. ये एक एम्प्टी टैग है और इसमें क्लोजिंग टैग की कोई ज़रूरत नहीं है. एट्रीब्यूट्स क्या है HR टैग के, इसके 5 एट्रीब्यूट्स हैं. पहला है विड्थ. ये विड्थ बताता है टू स्पेसिफाई द परसेंटेज ऑफ विंडो कवर्ड बाय द रूलर. ये स्पेसिफाई करता है कितना विंडो रूलर कवर कर रहा है. फिर आती है बारी साइज की. ये स्पेसिफाई करता है थिकनेस हॉरिजॉन्टल रूलर की और देता है पिक्सल्स. फिर आते हैं कलर, फिर आता है नो शेड और उसके बाद आता है अलाइन. कलर क्या करता है, ये हमें कलर बताता है हॉरिजॉन्टल रूल की, जैसे कि आप देख सकते हैं. फिर नो शेड क्या है, ये डिस्प्ले करता है सॉलिड ब्लैक लाइन जिसमें कोई भी शेडिंग नहीं होती है. अलाइन क्या करता है, ये बताता है अलाइनमेंट, जो रूलर का जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट की तरफ है, राइट की तरफ है या फिर सेंटर की तरफ है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने HR टैग लगाया है इन दोनों पैराग्राफ, मीन्स इस पूरे पैराग्राफ से पहले और बाद में. तो HR में हमने साइज सेट कर दिया, कलर डाल दिया, विड्थ डाल दी और लेफ्ट अलाइनमेंट डाल दी. सिमिलरली हमने पैराग्राफ के नीचे कलर को चेंज करके ब्लू डाल दिया, ऊपर रेड था तो नीचे ब्लू के गया. एंड देन वी हैव टाइप द सेम प्रोग्राम दैट इज रिटन हियर. एंड ऊपर की लाइन आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपको रेड दिख रही है और नीचे की ब्लू दिख रही है. सो ऐसे हम HR टैग को यूज कर सकते हैं. अब बारी आती है पैराग्राफ टैग की. सो ये जो पैराग्राफ टैग है ये डिस्प्ले करता है लंबे मैसेजेस को, लंबे टेक्स्ट को वेब ब्राउजर पे. ये जो पैराग्राफ टैग है इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं. ये एक कंटेनर टैग है जिसका मतलब इसमें आपको एंड टैग डालना ज़रूरी है. तो जब आप P टैग को यूज़ करते हैं तो उसके पीछे एक लाइन छूटती है बिफोर द स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ. बाय डिफॉल्ट द PR टैग अलाइंस द टेक्स्ट टू द लेफ्ट, क्योंकि ये जो PR टैग है ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, हमारे जो टेक्स्ट है उसे लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता है. तो आप देख सकते हो ये डॉक्यूमेंट हमने डाली, यहाँ पे हमने एजुकेशन के ऊपर कुछ लाइंस लिखी हैं, पैराग्राफ लिखा है और P टैग को हमने यहाँ पे यूज़ किया है. फिर P टैग को क्लोज कर दिया है. फिर अगली लाइन में फिर से हमने लाइन चेंज करके P टैग को लिखा है और फिर P टैग को क्लोज किया है. तो आप देख सकते हो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है वैसे यहाँ पे ये जो हमारा HTML पेज है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, मीन्स 2 पैराग्राफ्स में यहाँ पे कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है. सो दिस टाइप ऑफ थिंग कैन बी डन इन योर P टैग, मीन्स पैराग्राफ टैग. सो दीज कमांड्स यू हैव टू फिल एंड यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स. अब आता है बोल्ड टैग. ये क्या करता है, टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है, मीन्स उसको डार्क कर देता है. सो बोल्ड टैग जो है ये जो है यूज़ किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को एम्फोसाइज करने के लिए, उसे डार्कन करने के लिए. और ये जो टाइप बी बिफोर टाइपिंग द टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट आप टाइप करें उससे पहले बी को टाइप करें एंड मेक द टेक्स्ट बोल्ड. और ये जो है एक कंटेनर टैग है, मीन्स बी को ओपन करेंगे तो बी को आपको क्लोज भी करना होगा, मीन्स क्लोजिंग टैग भी डालना होगा. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है डीप लर्निंग को मुझे बोल्ड में लिखना है तो मैंने बी टैग को ओपन किया और क्लोजिंग बी टैग भी लगा दिया.
तो क्या हुआ जो है ये डीप लर्निंग आपको आउटपुट के रूप में दिख सकता है कि ये डार्क कलर से लिखा हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट कम्स इटैलिक्स। इटैलिक्स का काम है जो कंटेंट है उसे इटैलिक्स में चेंज कर देना। ये भी एक कंटेनर टैग है एंड हियर यू कैन सी दिस इज द सिंटेक्स। आई लिखा है, आई को क्लोज किया एंड दिस इज द रिजल्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट। सिमिलरली कम्स अंडरलाइन टैग। अंडरलाइन टैग क्या करता है, कंटेंट को अंडरलाइन करता है। तो जिसे भी अंडरलाइन करना आप यू टैग को यूज कर सकते हैं। ये भी एक कंटेनर टैग है एंड जैसे कि आप देख सकते हो अंडरलाइन करना है मुझे एजुकेशन को और क्लोजिंग टैग लगा दिया मैंने और उसके बाद बाकी सेंटेंस लिख दिया है। तो यहाँ पे जो आउटपुट है उसमें आपको दिख रहा है कि एजुकेशन को जो है अंडरलाइन करके लिखा गया और बाकी कंटेंट सेम है जैसा ऊपर सिंटेक्स में था। सो हियर यू कैन सी हमने टेक्स्ट को बोल्ड किया है, इटैलिक्स किया है, अंडरलाइन किया है। आप देख सकते हैं बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन तीनों दिख रहा है यहाँ पे। इसके बाद टेक्स्ट को बोल्ड और इटैलिक दोनों किया है तो बोल्ड और इटैलिक दोनों दिख रहा है हमें टेक्स्ट। फिर हमने टेक्स्ट को बोल्ड और अंडरलाइन दोनों किया है तो बोल्ड और अंडरलाइन दोनों है हमारा ये अगला टेक्स्ट। फिर हमने टेक्स्ट को इटैलिक और बोल्ड किया है तो इटैलिक और बोल्ड दोनों दिख रहे हैं। और लास्ट से हमने अपने टेक्स्ट को इटैलिक और अंडरलाइन किया है तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट अंडरलाइन और वो इटैलिक्स दोनों शो हो रहे हैं। सो ये जो आप देख रहे हो कमांड्स ये आपको टाइप करने अपने नोटपैड में एंड दिस रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट। सो दीज आर डिफरेंट टैग्स चिल्ड्रेन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इमेज टैग। सो इमेज टैग क्या है, जैसे कि इसका नाम है आप इसमें जो है इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं, किसी डिज़ाइन को इंसर्ट करते हो अपने वेब पेज में। ये जो टैग है ये इसका जो टैग है वो है IMG आपको लगाना है एंड ये एक एम्प्टी टैग है, मींस इसके बाद आपको क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं है। अब क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं इमेज टैग के, पहला है SRC। ये क्या करता है, ये बताता है रास्ता इमेज का, मींस ये इमेज कहाँ पे इंसर्ट करना है। फिर ALT बताता है एक स्पेसिफिक ऑल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज। ये काफ़ी ऑल्टरनेट टेक्स्ट है इमेज के लिए, टेक्स्ट की जगह पे आप कोई और इमेज की जगह पे आप कोई टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो। इफ़ अ ब्राउज़र कैन नॉट फाइंड द इमेज, अगर मान लो कि हमने वेब पेज चलाया और ब्राउज़र पे वो इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही तो उस इमेज की जगह कौन सा टेक्स्ट आना चाहिए उसकी जगह ALT हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हाइट, ये बताता है कितनी हाइट होनी चाहिए इमेज की। और फिर आता है वेड्थ, ये बताता है कितनी वेड्थ होनी चाहिए इमेज की। तो हमने यहाँ पर टाइप किया है IMG SRC URL ALT ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट हमने डाला है यहाँ पे एंड हाइट 300 विड्थ 400। सो ये सब करके हमने इमेज को यहाँ पे इंसर्ट किया है एंड दिस इज द कंटेंट। तो कंटेंट इज ऑल्सो रिटन, इमेज इज ऑल्सो इंसर्टेड इन फ्रंट ऑफ यू, सो यू कैन डू इट लाइक दिस। Now, the following table summarizes the tags that you have studied till now. तो अभी तक जितने भी tags हमने पढ़े हैं उन सब की summary आपको यहाँ पे मिलेगी। So children, the first tag is headings tag. So heading tag क्या है, headings के लिए use किया जाता है। इसमें आप देख सकते हो heading को कितना bold करना है, कितना कम bold करना है, ये यहाँ पे आपको मिलेगा। ये 1 to 6 तक specified होता है। इसमें आपको headings, subheadings, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। फिर आता है लाइन ब्रेक टैग, ये क्या करता है, आपको हेल्प करता है नई लाइन में जाने के लिए, लाइन को ब्रेक करने के लिए, और इसका सिंटैक्स है BR। फिर आता है हॉरिजॉन्टल रूल टैग, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करता है आपके पेज में, इसका सिंटैक्स है HR। फिर आता है आपका पैराग्राफ टैग जो कि यूज़ किया जाता है पैराग्राफ को डिस्प्ले करने के लिए और इसका सिंटैक्स है P। फिर है बोल्ड टैग जो आपके टेक्स्ट को बोल्ड में कन्वर्ट करता है, इसका सिंटेक्स B है। इटैलिक्स टैग आपको आपके टेक्स्ट को इटैलिक्स में करता है और इसका सिंटेक्स I है। अंडरलाइन टैग आपके टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है, इसका सिंटेक्स U है। और इमेज टैग क्या करता है, आपके जो वेब पेज है उसमें इमेज को इंसर्ट करता है और इसका सिंटेक्स है IMG। नेक्स्ट इज कास्केडिंग स्टाइल शीट विच इज CSS। तो अब हम पढ़ेंगे CSS के बारे में। सो CSS क्या है, ये एक स्टाइल शीट है जो कि प्रोवाइड करता है अ सेट ऑफ स्टाइल रूल्स फॉर डिफाइनिंग द लेआउट। ये एक सेट ऑफ जो रूल्स है, स्टाइल्स हैं, उसे जो है प्रोवाइड करता है लेआउट में ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। यूजिंग CSS यू कैन कंट्रोल द कलर ऑफ द टेक्स्ट। इसके थ्रू हम जो टेक्स्ट है उसके कलर को कंट्रोल कर सकते हैं।
स्टाइल को कंट्रोल कर सकते हैं, फॉन्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, पैराग्राफ साइज, लेआउट ऑफ कॉलम, बैकग्राउंड इमेज एज वेल एज वैरायटी ऑफ अदर इफेक्ट्स, बाकी चीज़ों को भी यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्टाइल शीट्स आर डिज़ाइन टू सेपरेट द प्रेजेंटेशन स्टाइल। ये जो स्टाइल शीट है इसे यूज़ किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है प्रेजेंटेशन को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है उससे। दिस मेक्स साइट मेंटेनेंस मच ईजियर एंड प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी। इससे क्या होता है, जो साइट मेंटेनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी बन जाता है और काफ़ी फ्लेक्सिबल बन जाता है। नेक्स्ट कम्स CSS टर्मिनोलॉजी। सो व्हाइल यूजिंग CSS टैग्स इन आर HTML डॉक्यूमेंट यू हैव टू फॉलो अ डिफाइनड स्ट्रक्चर फॉर इट। तो जब भी आप CSS को यूज़ कर रहे हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में, आपको एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ CSS टैग इज शोन हियर। यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया है। तो H1 है जिसे हम सिलेक्टर कहते हैं, फिर आता है कलर, ये एक प्रॉपर्टी है, फिर ब्लू क्या है, वैल्यू है, और इन दोनों को मिला के बनता है डिक्लेरेशन। फिर आता है फॉन्ट साइज जो कि एक प्रॉपर्टी है, 20px क्या है, वैल्यू है, ये मिल के बनता है अगेन डिक्लेरेशन। फिर आता है रूल। सो चिल्ड्रन व्हेन वी यूज दिस CSS टर्मिनोलॉजी वी हैव टू फॉलो द गिवन फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट में पहले हमें कलर लिखना है, फिर फॉन्ट का साइज लिखना है। सो दिस वी हैव टू फॉलो व्हेनेवर वी यूज CSS। लेट्स डिस्कस ईच पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इन डिटेल। तो जितने भी पार्ट्स हैं चलो उन्हें ब्रीफ में डिटेल में पढ़ते हैं। पहले आती है प्रॉपर्टी। सो ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है कैसे जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है वो वेब पेज पे दिखाई देंगे। फॉन्ट की फैमिली, कलर, बैकग्राउंड, बॉर्डर एक्सेट्रा, ये सब कुछ आपको इस प्रॉपर्टी में मिलेगा। फिर बारी आती है वैल्यू की। ये क्या करता है, वैल्यूज देता है, एक ऑप्शन देता है प्रॉपर्टी को चूज करने का। वैल्यू फॉर द फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी कैन बी फॉन्ट नेम। तो अगर हम फॉन्ट की बात करें तो वहाँ पे फॉन्ट का नाम आपको मिलेगा। अगर हम फॉन्ट साइज की बात करें तो आपको नंबर्स मिलेंगे। तो ये क्या है, हमारी वैल्यूज हैं। फिर आता है डिक्लेरेशन। सो प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू आर कलेक्टिवली नोन एज डिक्लेरेशन। सो ये जो प्रॉपर्टी है या फिर उसकी जो वैल्यू है, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं डिक्लेरेशन। फॉर एग्जाम्पल कलर ये हमारी प्रॉपर्टी है और ग्रीन क्या है, उसकी वैल्यू है। अगला आता है सेलेक्टर। इट इज़ अ नेम ऑफ द HTML एलिमेंट। ये एक नाम है HTML एलिमेंट का जो क्या करता है, हेल्प करता है हमें अप्लाई करने में डिक्लेरेशन को। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द बिहेवियर ऑफ HR एलिमेंट। अगर आपको HR एलिमेंट का बिहेवियर चेंज करना है तो आप क्या करोगे, विड्थ को चेंज करोगे 50% तक, तो आप यूज़ करेंगे HR टैग अपने सेलेक्टर में। रूल क्या है, सेलेक्टर एंड डिक्लेरेशन टुगेदर फॉर्म अ रूल। ये जो सेलेक्टर और डिक्लेरेशन है दोनों एक साथ मिलके रूल बन जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूजिंग कैस्केडिंग स्टाइल शीट, हम कैसे SCSS को यूज़ कर सकते हैं। सो यू कैन इंक्लूड द स्टाइल शीट रूल्स विद एन HTML डॉक्यूमेंट। आप HTML डॉक्यूमेंट से ये शीट यूज़ कर सकते हैं। पहला आता है आपका इन लाइन, जिसे हम द एट्रीब्यूट स्टाइल भी कहते हैं। सो चिल्ड्रेन वन वे टू अप्लाई CSS टू HTML एलिमेंट इज़ बाई यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। तो ये एक तरीका है CSS को HTML में लगाने का, और इसे हम स्टाइल एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं। ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट है ये यूज़ किया जा सकता है किसी भी एलिमेंट के अंदर बॉडी सेक्शन में, जहाँ पे बॉडी टैग जो है खुद होता है। यू कैन यूज़ एनी नंबर ऑफ डिक्लेरेशन, आप कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हो डिक्लेरेशन का। ईच वन इज सेपरेटेड बाई ए सेमी कोलन, और हर एक को सेमी कोलन से सेपरेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो ऐसा स्टाइल को आपने अप्लाई किया है जहाँ पे विड्थ 50% होना चाहिए, फिर सेमी कोलन लगा के आपने हाइट लिख दिया, फिर सेमी कोलन लगा के आपने बैकग्राउंड कलर लिख दिया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग सेमी कोलन। This is not an effective use of style sheet as the declaration is to be repeated with every element. ये जो है एक बहुत ही efficient use नहीं है इसका, क्योंकि जो declaration है वो हर एक element के साथ repeat की जा रही है। Even if the same style is applied on some other elements in a document, भले ही same style को apply किया जा रहा है दूसरे documents में। Next is internal or embedded style sheet।
तो क्या होता है ये इंटरनल या फिर एम्बेडेड स्टाइल शीट। ये जो स्टाइल है ये इसका जो है काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बड़ा स्कोप है इनलाइन मेथड के कंपैरिजन में। विद द इनलाइन मेथड द इफेक्ट अप्लाइड आर लिमिटेड टू द एलिमेंट। इस मेथड में इनलाइन मेथड में जो इफेक्ट है ये एक लिमिटेड तरीके तक ही अप्लाई किया जा सकता है। विथ विच द स्टाइल डिक्लेरेशन हैज़ बीन स्पेसिफाइड, जिसमें स्टाइल डिक्लेरेशन स्पेसिफाई किया गया है। वेयर एज जब हम एम्बेडेड स्टाइल की बात करते हैं जो इफेक्ट है वो अप्लाई हो जाता है सारे एलिमेंट्स पे एक तरीके के, विच द स्टाइल डिक्लेरेशन हैज़ बीन स्पेसिफाइड। टू क्रिएट एन एम्बेडेड स्टाइल शीट, जब हमें एक एम्बेडेड स्टाइल शीट क्रिएट करनी होती है आप यूज़ कर सकते हैं स्टाइल टैग इन द हेड सेक्शन। इस टैग को यूज़ कर सकते हैं हम हेड सेक्शन में। तो ये है हमारा स्टाइल टैग, उसके बाद हमने अपना जो भी कंटेंट था उसे लिख दिया एंड फिर हमने स्टाइल टैग को क्लोज कर दिया। तो ऐसे हम इस स्टाइल टैग को यूज़ कर सकते हैं। अब आता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ये तो था इंटरनल स्टाइल शीट, अब बारी आती है एक्सटर्नल स्टाइल शीट की। इस मेथड में क्या होता है आप डिफाइन करते हो स्टाइल रूल्स को अलग अलग तरीके से अलग अलग फाइल में और फिर उसे यूज़ करते हो किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में। एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज सिंपली विथ एन एक्सटेंशन .css। सो ये जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है इसमें आपको एक्सटेंशन मिलेगा जिसे हम .css कहते हैं। तो जैसे कि दूसरी फाइल्स होती हैं यू कैन प्लेस द स्टाइल शीट विथ इट्स नेम। इसमें क्या कर सकते हो आप अपने जो स्टाइल शीट है उसे एक पर्टिकुलर नेम से उसके खुद के नाम से आप लिख सकते हो, जैसे कि style.css। ऑन योर वेब सर्वर और हार्ड डिस्क, तो इस वेब सर्वर या फिर हार्ड डिस्क पे आप इस नाम से सेव कर सकते हैं। दिस मेथड इनकॉर्पोरेट्स टू फाइल्स, और इस मेथड से दो फाइल इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं। वन फाइल कंटेन्स द स्टाइल कोड ओनली एंड द अदर फाइल कंटेन्स द HTML कोड। सो चिल्ड्रेन, इसमें जो एक फाइल है उसमें आपको स्टाइल कोड मिलेगा और जो दूसरी फाइल है उसमें आपको HTML कोड मिलेगा। लेट्स यूज द स्टाइल शीट टू सी द वेरियस प्रॉपर्टीज। तो चलिए हम यहाँ पे स्टाइल शीट को यूज करते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज को देखने के लिए ऑफ द बॉडी बैकग्राउंड, बॉडी के बैकग्राउंड में। यू विल यूज द एम्बेडेड स्टाइल शीट इन दिस चैप्टर, और इस चैप्टर में हम एम्बेडेड स्टाइल शीट को यूज करने वाले हैं। लेट्स मूव ऑन टू बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। सो HTML अलाउज यू टू सेट द बैकग्राउंड स्टाइल। HTML आपको अलाउ करता है बैकग्राउंड स्टाइल को सेट करने के लिए किसी भी एलिमेंट के इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से। मीन्स आप कलर यूज़ कर सकते हो, इमेज यूज़ कर सकते हो, रिपीट यूज़ कर सकते हो, पोजिशन और फिर अटैचमेंट यूज़ कर सकते हैं। लेट्स लर्न अबाउट बैकग्राउंड कलर। सो दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज टू सेट द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को सेट करने के लिए यूज़ होता है ये प्रॉपर्टी। एंड इसका सिंटेक्स है बैकग्राउंड कलर वैल्यू, वे वैल्यू इज़ कलर RGB कलर कोड। सो ये है हमारा बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में हमने पिंक लगाया यहाँ पे, तो आप देख सकते हो हमारा जो वेब पेज है उसके पीछे का बैकग्राउंड पिंक कलर में चेंज हो गया है। नेक्स्ट कम्स बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड में आप इमेज लगा सकते हो। इस प्रॉपर्टी से हम इमेज को ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड में, और यहाँ पे जो सिंटेक्स है वो है बैकग्राउंड इमेज वैल्यू, जहाँ पे वैल्यू है URL पाथ ऑफ द URL, सो ऑफ द इमेज। तो आपने यहाँ पे URL पाथ लिखा है books.jpg, और यहाँ से आपने इमेज जो है इंसर्ट कर दिया है बैकग्राउंड में अपने वेब पेज के। फिर आता है बैकग्राउंड पोजिशन। ये जो प्रॉपर्टी हेल्प करती है आपको पिक्चर की पोजिशन को बताने में कि कहाँ पे आपको पिक्चर को इंसर्ट करना चाहिए या टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहिए। और बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेज है वो हमेशा टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ही इंसर्ट होता है। अब यहाँ पे जो सिंटेक्स है वो है बैकग्राउंड पोजिशन वैल्यू, जहाँ पे जो वैल्यू है XPOS YPOS टॉप सेंटर बॉटम लेफ्ट सेंटर राइट। तो XPOS YPOS ये जो है स्पेसिफाई करता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजिशन इन रेस्पेक्टिवली इन लेंथ, यूनिट है इसका लेंथ। फिर X% Y% क्या है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजिशन बताता है परसेंटेज में।
फिर आता है टॉप सेंटर बॉटम। ये जो टॉप सेंटर बॉटम है या जो लेफ्ट सेंटर राइट है, ये कीवर्ड से जो स्पेसिफाई करते हैं जो हमारा कंटेंट है वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पोजिशन में है या नहीं है, या जो वैल्यूज है जो हमने चूज की है इस कंजंक्शन में, ये दोनों ही में सेट या फिर स्पेसिफाई होती है या नहीं। फिर बारी आती है बैकग्राउंड रिपीट की। ये जो है हेल्प करता है, ये जो प्रॉपर्टी है वो हेल्प करती है रिपीट करने में, हमें पैटर्न को रिपीट करने में हेल्प करती है बैकग्राउंड इमेज की। बाय डिफॉल्ट अ बैकग्राउंड इमेज इज रिपीटेड इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। सो ये जो बैकग्राउंड इमेज है इसे हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में ही रिपीट कर सकते हैं। तो इसका जो सेंटेक्स है वो है बैकग्राउंड रिपीट देन वैल्यू। वैल्यू क्या है यहाँ पे? नो रिपीट, रिपीट एक्स, रिपीट वाई, रिपीट। सो नो रिपीट में क्या होगा? इमेज जो रिपीट नहीं होगी। रिपीट एक्स में जो है इमेज जो है हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, रिपीट वाई में इमेज जो है वर्टिकल हो जाएगी, और रिपीट में जो डिफॉल्ट वैल्यू है इमेज की वो दोनों ही डायरेक्शंस में रिपीट होगी। फिर आता है बैकग्राउंड अटैचमेंट। ये जो प्रॉपर्टी हेल्प करने करती है हमें फिक्स करने में इमेज की जो भी बैकग्राउंड है उसे स्क्रॉल करने में हेल्प करता है हमें। सो इससे जो है इसका जो सिंटेक्स है वो है बैकग्राउंड अटैचमेंट वैल्यू, जहाँ पे जो वैल्यू है वो है फिक्स या फिर स्क्रॉल। तो या तो हमें फिक्स कर देना है उस इमेज को या फिर स्क्रॉल करते समय भी वो इमेज हमें दिखाई दे। सो लेट अस सी द यूसेज ऑफ ऑल दिस प्रॉपर्टी थ्रू एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल, उससे हम इन सारी प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ वेब पेज यूजिंग द बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी उससे हम एक वेब पेज बनाते हैं। So these all commands you have to fill in your notepad children, and this result you will be seeing. अब आती है बारी text properties की। So CSS text properties क्या है? इन्हें use किया जाता है control करने के लिए appearance को, layout को, text का किसी भी web page में। ये क्या करते हैं? Allow करते हैं हमें to define various aspects of text। ये हमें हेल्प करते हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स जो टेक्स्ट के हैं उसे डिफाइन करने में, जैसे कि फॉन्ट फैमिली हो सकता है, फॉन्ट का साइज हो सकता है, टेक्स्ट का कलर हो सकता है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट हो सकता है, टेक्स्ट का डेकोरेशन हो सकता है, या फिर टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। सो कुछ जो है कॉमनली यूज सी एस एस टेक्स्ट प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी गई हैं। पहला है फॉन्ट फैमिली। सो फर्स्ट कम्स फॉन्ट फैमिली। ये जो प्रॉपर्टी है हेल्प करती है हमें फॉन्ट की फैमिली को या फिर टाइपफेस को स्पेसिफाई करने में। इसमें आप क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हैं एक तरीके के फॉन्ट को या फिर बहुत सारे जो फॉन्ट्स हैं उसमें से कोई भी। तो यहाँ पे हम जो फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं वो है एरियल। तो ये है एग्जांपल, फॉन्ट फैमिली में एरियल हमने डाला है एंड जो फॉन्ट है वो इस तरीके से आपके सामने आएगा। फिर फॉन्ट साइज़ में हम साइंस डाल सकते हैं, साइज़ हमने डाला है 16px। फिर आती है बारे टेक्स्ट अलाइनमेंट की। टेक्स्ट अलाइनमेंट में हम डाल सकते हैं लेफ्ट अलाइन करना है टेक्स्ट को, लेफ्ट की तरफ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा, या फिर सेंटर में होना चाहिए टेक्स्ट, या फिर जस्टिफाई मींस इजीली स्कैटर हो जाएगा पूरे पेज पे। सो ऐसे हम अलाइन कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। फिर आता है टेक्स्ट डेकोरेशन। इस प्रॉपर्टी में हम विजुअल डेकोरेशन को ऐड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में, जैसे कि अंडरलाइन या फिर स्ट्राइक थ्रू को भी हम इसमें डाल सकते हैं। ये हम जो इन्हें डेकोरेशन को रिमूव भी कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में से। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में हमने अंडरलाइन किया है और अंडरलाइन अप्लाई हो जाएगा उस टेक्स्ट पे जहाँ पे हमने इसे अप्लाई किया है। फिर बारी आती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की। इस प्रॉपर्टी से क्या होगा? जो टेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, सच एज कन्वर्टिंग इट टू अपर एंड लोअर केस। तो टेक्स्ट को हम अपर या फिर लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की वजह से। इसमें हम क्या कर सकते हैं? कैपिटल कर सकते हैं फर्स्ट लेटर को हर एक वर्ड के, या फिर टॉगल केस भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसका तरीका यहाँ पे आप देख सकते हैं, एग्जांपल दिया गया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में हमने अपर केस यूज़ किया, मीन जो भी लिखेंगे वो कैपिटल में लिखा जाएगा। नेक्स्ट, लेट्स नाउ सी द यूसेज ऑफ ऑल दिस प्रॉपर्टीज। अब हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज टेक्स्ट की पढ़ी, अब उन सबको हमने यहाँ पे अप्लाई करके देखा। हमने फॉन्ट साइज डाला, कलर डाला, टेक्स्ट अलाइनमेंट डाला जो कि सेंटर है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में हमने अपर केस यूज़ किया है,
और टेक्स्ट डेकोरेशन में हमने अंडरलाइन यूज किया है, तो आप देख सकते हो बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, ये आपको वैसा ही लिखा है जैसा आपने लिखा है। तो ये था हमारा हेडिंग। फिर हम पैराग्राफ में फॉन्ट साइज डाल रहे हैं, कलर डाल रहे हैं और टेक्स्ट अलाइनमेंट हमने डाला है लेफ्ट। सो लाइक दिस वॉट एवर कंटेंट वी हैव रिटन इन आर नोट पैड दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन योर वेब पेज। Now children, let's quickly revise what all we have learned in this chapter. So HTML is the most widely used language. ये काफ़ी ज़्यादा use की जाने वाली language है जो design किया जाता है to design web page content of a internet. The internet is a network of billions of computers which are connected with each other to share information and resources. Two basic tools are required to work with the HTML document: HTML editor and browser. HTML code is made up of elements, tags and attributes. HTML elements are of two types: container and empty tags. The general structure of the HTML document has two sections: head section and body section. CSS is a style sheet that provides a set of style rules for defining the layout of HTML document. You can include the style sheet with the HTML document in three ways: inline, internal or embedded style sheet, and the external style sheet. CSS allows you to set background style of an element with the background properties. CSS allows you to set text style with the text properties. So these were what all we have learned in the chapter. Now children, let's quickly move on to the book exercise. Check yourself. Here A part is check the correct option. The first question over here is Floral is a text editor. What we see is what we get: editor, word editor or none of these. So the correct answer is what we see is what we get: editor. The dash tag draws a horizontal line across the web page. कौन सा टैग है जो horizontal line को draw करता है? So is it br tag, line tag, hr tag or p tag? So it is hr tag. Like this children, you have to do the rest of the questions that are given here and tick the correct option. Now children, let's move on to fill in the blanks. Here the first question is hypertext is a piece of ordinary text with special properties of linking to other documents or web pages. And the second one is the web browser are used to view the HTML documents. So you have to do children the rest two questions yourself. Now let's move on to true or false. First question over here is tag and attributes name are case. Tag and attribute names are case sensitive. This is false. Property defines how different elements look on the web page. Yes, this is true. So do the rest two questions yourself. Now let's move on to D part, which is answer the following questions. Now children, let's move on to D part, which is answer the following questions. Here the first question is what is HTML and what are the basic tools required to work with the HTML document? So HTML is a language that is developed to design a web page, and the basic tools required to work with the HTML document is HTML editor and browser. Now the second question is explain the term tags and attributes with the help of an example. So here children, the tags are the building blocks of a web page, and these define how information is to be displayed on the website or the web page, and the example is tag name. Next comes attributes. These are additional information about HTML elements. So these give us additional information about the HTML elements, and the example is body, BG color, and the color should be green. Like this children, what you have to do, you have to complete the rest of the questions that are given here. With this, we have completed the chapter, children. I hope it's clear to you. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.